हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सीरीज में। हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। हमने अब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और यह हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कवर करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं रिफ्लेक्शन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अगर हमारे लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो वह क्या होगा, उसका वह बेंड हो जाएगी। और ऑब्लिक्वली मतलब क्या होगा, वह तिरछा होकर जाएगी, ठीक, ना कि वह अगर परपेंडिकुलर गिरेगी तो वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक, वह सीधा उसी मीडियम से पास हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं अगला पॉइंट जो है वैक्यूम में हमारा स्पीड का लाइट मैक्सिमम होता है और इसकी स्पीड कितना होता है, 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड होता है। रिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि इसका चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, हर मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, ठीक। अब एग्जांपल कुछ देख लेते हैं इसका। अब द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर हायर, जो स्विमिंग पूल का बॉटम होता है उसको क्या हम लोग को हायर दिखाया जाता है। इसका मतलब यह है कि जो डेप्थ होता है स्विमिंग पूल का वो हमें कम दिखाई देता है। अब पेंसिल इज पार्शियली इमर्ज इन वाटर अपीयर टू बेंड एट द इंटरफेरेंस ऑफ वाटर एंड एयर। हमारा जो मान लीजिए इसमें क्या कर रहा है, इस डायग्राम को समझते हैं। देख लीजिए एक ग्लास है, ठीक, इस ग्लास में वाटर है, वाटर में क्या रखा है, एक पेंसिल रखा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, ये पॉइंट कि इंटरफेरेंस पर क्या होगा, हमारा जो पेंसिल है वो बेंट दिखाई देगा। ये किस कारण होता है, रिफ्लेक्शन के कारण होता है। लेमन प्लेस इन ग्लास टम्बलर अपीयर हायर या बिगर, ठीक। तो लेमन क्या होता है, जो प्लेस रखा ग्लास टम्बलर में रखा जाता है तो वो बिगर दिखाई देता है। लेटर ऑफ बुक अपीयर टू बी रेज व्हेन सीन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अगर बुक का हम लोग का लेटर देखेंगे ग्लास स्लैब में तो क्या दिखाएगा, हल्का सा रेज दिखाई देगा, मतलब उठा हुआ दिखाई देगा लेटर उसका, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन के डिटेल बारे में, जानते हैं क्या क्या प्रोसेस होता है उसमें, ठीक। तो बात करते हैं, देखिए डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये डिफिनेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट इंटर ऑब्लिक्वली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, पहले ही समझा दिया उसको, लेकिन देखिए डायग्राम में क्या क्या हो रहा है प्रोसेस। देखिए ए ओ है जो है इंसिडेंट रे है और ओ बी है जो वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और बी सी इमर्जेंट रे है, ठीक है। अब देखिए जो पी क्यू आर एस है वह रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक। अब क्या होता है, देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे आती है एयर से, मतलब मीडियम वन से, और ये चला जाता है ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब में जाता है तो क्या होता है, बेंड हो जाता है हल्का सा, ठीक, बेंड और रिफ्लेक्टेड हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और उसके बाद तब यह ग्लास स्लैब से रिफ्लेक्टेड रे निकलती है, फिर आती है मीडियम एयर में आती है तो क्या होता है, वह वापस बेंड हो जाता है, मतलब उसे नॉर्मल से थोड़ा दूरी पर बेंड हो जाता है, फिर मतलब फिर रिफ्लेक्टेड हो जाता है, उसको हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब एंगल आई क्या है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एक इसके बीच में इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना रही है, एंगल आर जो होता है रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक है। यह क्या होता है, ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल बनता है। अब यह एंगल जो है और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इसका, और ई एंगल ई क्या है, हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंट है, ठीक। ये क्या होता है, नॉर्मल एन वन और इमर्जेंट डे के बीच में एंगल होता है, ठीक। अब जानते हैं लेटर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक। ये क्या होता है, इंसिडेंट रे है जो है इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, मैंने इसको ड्रा करेंगे आगे तक, तो क्या होगा, यह इमर्जेंट रे के पैरेलल लाइन ड्रा होगी, और जितना दूरी पर यह ड्रा लाइन रहेगा इन दोनों पैरेलल रे में, जितना डिस्टेंस रहेगा उसी को हम लोग लेटर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ बेंडिंग ऑफ रे लाइट एट अपोजिट पैरेलल फेसेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट, सो रे इमर्ज पैरेलल टू इंसिडेंट रे,
यही इसका डिफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट का। ये किस पर डिपेंड होता है? यह डिपेंड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब और थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक, इस पर डिपेंड होते हैं। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, ठीक। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है वो देखते हैं। तो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, डिफ्रेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस अप टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे, नॉर्मल टू इंटरफेरेंस क्या होगा, सब एक ही प्लेन पर लाइक करेंगे। दूसरा लॉ क्या हमारा है, स्नेल लॉ कहते हैं उसको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। क्या होगा हमारा, अगर रेशियो फाइंड करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का, तो वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट आएगा। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, ये हम लोग फार्मूला इसका हो जाता है, ये लिख सकते हैं, ठीक। आइए हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हैं, क्या होता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो देखिए रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर दो मीडिया कैसे, एक ये मीडियम है, मीडियम है वन है और यह मीडियम टू है, ठीक। इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट का, तो यह हमको इसको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से डिनोट करते हैं, यहाँ से डिनोट करते हैं या म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं फार्मूला क्या होता है इसका, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम टू, ठीक। अगर मान के चलिए कोई ए मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, यहाँ से लाइट अगर मीडियम वन से टू के बीच में जा रही थी, क्या लिखेंगे हम लोग, यन टू वन लिखेंगे, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, टू के रिस्पेक्ट में हमारा अरे वन के रिस्पेक्ट में मीडियम टू का रिस्पेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालेंगे इसका, वी वन बाई वी टू निकालेंगे। यन वन टू का मतलब क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट सेकेंड मीडियम का रिस्पेक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, वी टू बाई वी वन लिख देंगे, ठीक। अब इसको याद करने का तरीका कैसा है, देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है पहले, तो क्या लिखेंगे, V2 ऊपर लिख देंगे और 1 बाद में आ रहा है तो V1 नीचे लिख देंगे, ठीक, समझ में आ गया आपको। तो बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, ठीक। एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अब मीडियम इज रिफ्रेक्ट टू वैक्यूम आर एयर। किसी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम, किसी मीडियम फाइंड करता है, तो अगर हम लोग उसको एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट इफेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यन इक्वल टू सी बाई वी, सी का क्या होता है, सी इंटू 10^8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। सी क्या हमारा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आर एयर। रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इज रिस्पेक्टिव ऑफ अदर रिफेक्टिव इंडेक्स इन गिवन पेयर। यन वन टू है जो है, ठीक, वह क्या हो जाएगा, वन अपान यन टू वन हो जाएगा। मतलब देखिए समझाते हैं, से मीडियम वन है और मीडियम टू है, ठीक। तो ये मीडियम जो है हमारा, इसका टू दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में दिया है टू के रिस्पेक्ट में, वन का रिस्पेक्ट इंडेक्स क्या हमारा टू है, तो वन का जो टू है, जो हमारा टू का रिफेक्टिव इंडेक्स वन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वन बाई टू हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखा हुआ है, लिखा है कि जो डायमंड का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, अब तक सबसे हाईएस्ट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पाया गया है, इसका कितना होता है 2.42 होता है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगी इस डायमंड में, वो कितना कम रहेगी वैक्यूम में, वैक्यूम से 1/2.42 टाइम्स कम रहेगी, ठीक। बात करते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की, यह क्या होता है, आउट ऑफ टू गिवन मीडिया द मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। अगर दो मीडियम में जिस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अधिक रहेगा, उसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलेंगे, और ऑप्टिकली रेयर मीडियम किसको बोलेंगे, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कम हो, उसको हम लोग रेयर मीडियम बोलेंगे। अब देखते हैं ये वाला पॉइंट लिखा है, जो व्हेन लाइट इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल
क्या होता है, अगर हमारा जो लाइट होता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो वह क्या होता है, अरे नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाता है। देखिए जो डायग्राम में देख सकते हैं आप, यहाँ से रेयर मीडियम से जा रहा है यह लाइट, उसके बाद क्या हो रहा है नॉर्मल की तरफ वो रिफ्लेक्टेड हो जा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं, तब अगर मान चलिए वह अगर कोई भी लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाएगी तो क्या होगा, वह इससे नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। ठीक, यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे यहाँ पर जा रहा है तो क्या हो रहा है नॉर्मल से यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो दूर चला जा रहा है। ठीक, अब क्या होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है वो फिजिकल डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब स्फेरिकल लेंस के बारे में जानते हैं, क्या होता है अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाई टू सरफेस ऑफ विच वन आर बोथ सरफेस आर कर्व। टू सरफेस अगर बाउंड रहेगा ट्रांसपेरेंट मीडियम से उसको हम लोग स्फेरिकल लेंस बोलेंगे, उसमें एक मीडियम एक या दोनों सरफेस कर्व हो सकते हैं। ठीक, तो बात करते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो एक कन्वेक्स लेंस होता है और एक कनकेव लेंस होता है। इस स्फेरिकल हम लोग लेंस के बारे में बात कर लिए थे। ठीक है, तो क्या होता है कन्वेक्स लेंस, क्या होता है थिन फ्रॉम कॉर्नर, ठीक, और थिक फ्रॉम कॉर्नर। देख रहे हैं ये जो इसका देख लीजिए, ये क्या हमारा कन्वेक्स, ये वाला कन्वेक्स लेंस है और ये है कनकेव लेंस है। इसका क्या है, ये कॉर्नर से हमारा क्या है पतला है, और ये क्या है कॉर्नर से मोटा है, और ये क्या है सेंटर में इसका यह मोटा हो जा रहा है, और ये क्या हो रहा है सेंटर में पतला हो जा रहा है, और क्या हो ये कन्वर्जिंग होता है, ये होता है डाइवर्जिंग होता है कनकेव। ठीक है, लेंस के बारे में बात कर लिए हम लोग। अब क्या होगा, हम लोग रूल देखते हैं कौन कौन सा रूल है जो कन्वेक्स लेंस इमेज फार्म करता है, जिस रूल से वो इमेज फार्म करता है। ठीक है, पहले देखते हैं, और रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज पास थ्रू द फोकस ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। अगर कोई भी हमारा लाइट रे अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो क्या होगा, वो दूसरे साइड के लेंस के प्रिंसिपल फोकस पर कट करेगी। अब देखिए क्या क्या है, ये वो क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। ये क्या होता है, ये जितना इसका लेंस का हाइट है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मिड पॉइंट होगा वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। और ये फोन क्या है प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जब कोई भी लाइट रे जाती है पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ कट करेगी वह उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। रिफ्लेक्टेड होने के बाद जहाँ कट करेगी उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। देखिए कर रहा है, ये होता है, ये दो होता है, एक इधर होगा एक इधर होगा, एफ वन होगा एक एफ टू होगा, और टू एफ वन क्या है, यह है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक, इसको टू एफ वन लिख सकते हैं। ठीक, अब समझते हैं अगला रूल के बारे में। तो अगला रूल हमारा क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन। ठीक, तो क्या होता है, क्या कर रहा है, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से जा रही है तो इमर्ज होने के बाद क्या होगा, वह दूसरे साइड में लेंस के वह पैरेलल होकर जाएगी। ठीक, अब तीसरे रूल के बाद चलते हैं हम लोग, और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन। और कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ठीक है, इमर्ज हो रही है तो क्या होगा, वो पास हो जाएगी बिना किसी डेविएशन के। देखिए यहाँ जो रहा है ये क्या हो रहा है ऑप्टिकल सेंटर से रे पास हो रही है बिना डेविएशन का। ठीक, अब बात करते हैं रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स लेंस, कौन कौन सा रे डायग्राम है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे वो हम लोग पढ़े थे स्फेरिकल मिरर का, इस तरह इसका भी बनेंगे, मतलब कन्वेक्स मिरर का जो पढ़े थे हम लोग ऐसे इसको भी रे डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला क्या हमारा, वेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो कैसा रे डायग्राम बनेगा। तो हम लोग जानते हैं इन्फिनिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो वहां से क्या आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आएगी। ठीक, या रे आएगी पैरेलल टू, तो रूल के हिसाब से कहाँ कटेगी, वह दूसरे साइड के प्रिंसिपल फोकस पर कट करेगी, तो यहाँ कट करेगी, तो क्या नेचर होगा इमेज का, पोजिशन क्या होगा, एफ टू पर होगा। ठीक,
और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक, रियल एंड इन्वर्टेड हो रहा है क्योंकि ये बिहाइंड फॉर्म हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट मिरर के दूसरे से फॉर्म हो रहा है। और ये क्या है, मिरर नहीं है, लेंस है, सॉरी। साइज आप, साइज क्या है इसका, पॉइंट साइड होगा या हाईली डिमिनिश होगा, मतलब समझ क्या है कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा जितना रखा होगा उससे बहुत ही छोटा फॉर्म होगा। ठीक, तो अब आगे चलते हैं। वेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड टू एफ वन, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, टू एफ वन के पीछे रखा हुआ है। तो यहाँ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ से दो रे निकलेगी। ठीक, एक पैरेलल जाएगी और ये का पैरेलल हो जाएगी, तो क्या होगा, ये एफ टू पर कट करेगी और यहाँ पर आएगी, और एक एक रे क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगी। ठीक, इमर्ज होकर जाएगी, तो ये क्या होगा, डिवेशन नहीं होगा, सीधे निकल जाएगी। ठीक, कोई बेंडिंग नहीं होगा। तो कहाँ कट करेगी, ये यहाँ पर कट कर रही है। क्या हो रहा है, ये इमेज पोजिशन क्या हो रहा है इसका, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू। ठीक, नेचर इमेज क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, रियल है और उल्टा बन रहा है। साइज क्या है, डिमिनिश है। ठीक, छोटा है, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेन ऑब्जेक्ट इज टू एफ वन, तो हमारा ऑब्जेक्ट टू एफ वन पर है, तो क्या हो रहा है, इमेज पोजिशन क्या होगा, टू एफ टू फॉर्म होगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, साइज सेम साइज होगा। आइए इसको रे डायग्राम ड्रा करते हैं इसका। ठीक है, ये रे डायग्राम है, टू एफ वन पर है, तो यहाँ से एक पैरेलल जाएगी। ठीक, तो ये कहाँ कट करेगी, एफ टू से होकर निकलेगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड होने के बाद बेंड होकर एफ टू पर जाएगी, और ये क्या होगी, एक सीधा ऑप्टिकल सेंटर से डिवेशन से जाएगी, तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, टू एफ टू पर बनेगा। ठीक है, और सेम साइज आप इमेज रहेगा। ठीक है, रियल है एट इन्वर्टर बनेगा। और चौथा जो पॉइंट है हमारा, वेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ वन एंड टू एफ वन, इमेज पोजिशन क्या होगा, बियॉन्ड टू एफ टू होगा। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। तो हमारा कहाँ है, टू एफ वन और एफ वन के बीच में है, तो यहाँ पर है टू, एक पैरेलल जाएगी पिछले एक्सिस से, फिर वही पास है एफ टू से डिवेशन होकर जाएगी, ठीक, बेंड होते जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से होते जाएगी। ठीक है, वो अपने डिवेशन का। ठीक है, ये मत सोचिए कि क्यों दूर जा रही है और कैसे जा रही है, ये सब एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको बस समझा जाता है, जैसे बता रहा हूँ वैसे इसको याद कर लीजिए। ठीक है, दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा कि मतलब क्यों होता है क्यों नहीं होता है, सब यह एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये कट कर रही है, तो कहाँ बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, टू एफ टू के पीछे बन रहा है। ठीक, पोजीशन फाइंड कर लिए हम लोग, अब नेचर देखना है। नेचर क्या है, रियल है इन्वर्टेड है। साइज क्या है, ऑब्जेक्ट देखिए इमेज का साइज बहुत ही बड़ा बन रहा है, मतलब इनलार्ज बन रहा है। अब बात करते हैं हम लोग, वेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ वन, तब ऑब्जेक्ट हमारा एफ वन पर रखा है, तो एफ वन पर रखा होगा, तो क्या होगा, आप फिर एक पैरेलल ले जाएगी और ये एफ टू से होकर जाएगी। ठीक है, बेंड होने के पास, रिफ्लेक्टेड होने के पास एफ टू से होकर जाएगी, और जो है ये दूरी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा। ठीक है, और इमेज पोजिशन इनफाइनाइट पर होगा, नेचुरल इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। साइज क्या होगा, हाईली इनार्ज हो जाएगा। लास्ट वाला पोजिशन देख लेते हैं, पोजिशन कहाँ है, वेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ऑब्जेक्ट हमारे एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर में रखा हुआ है, तो एक यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, ये डिवेशन होकर यहाँ चली जाएगी और ये एक ऑप्टिकल सेंटर से निकल कर चली जाएगी। ये क्या हो रहा है, आगे चल के कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पीछे देखेंगे इसको कि कहाँ मिल रहा है, पीछे कहाँ कट कर रहा है, तो कहाँ कट कर रहा है, एफ वन, टू एफ वन के पीछे कट कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसका क्या क्या नेचर है। और ठीक है, तो नेचर देखते हैं इसका, इमेज पोजिशन क्या है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर लेंस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज पोजिशन है। नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और साइज क्या है, इनलार्ज है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस। ठीक है, तो पहला रूल क्या है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन सेम साइड ऑफ लेंस। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर अगर
कोई भी रे लाइट कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो बेंड होने के पास इधर मुड़ेगी, रिफ्लेक्टिव होने के पास क्या होगा, वो अपीयर्ड ऐसा प्रतीत होगा कि वो F1 से होकर जा रही है। ठीक, समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो है अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस विल बी इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आइए देखते हैं क्या रे ऑफ लाइट कोई भी F2 की तरफ जा रही है तो क्या होगा, वह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, थर्ड रूल देखते हैं क्या होता है हमारा थर्ड रूल। यह और रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है तो क्या होगा, यह हमारा बिना डेविएशन का चला जाएगा। ठीक, अब इसका देखते हैं रे डायग्राम इमेज फार्म बाय कनकेव लेंस। जो जो रे डायग्राम फार्म होता है उसको देखते हैं, इसमें दो रे डायग्राम फार्म होते हैं, एक इन्फिनिटी पर और एक ओ और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, तो इन्फिनिटी जा रहा है तब रखा हुआ तो पैरेलल रे आएगी, पैरेलल रे आएगी तो क्या होगा, वह बेंड होने के पास ऐसा लगेगा कि वह F1 पर मीट हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, तो देखिए यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल जा रही है तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो रही है। ठीक है, इमर्ज कर रही है, इसको रिफ्लेक्टेड हो जा रही है तो ये क्या हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यह F1 से होकर जा रही है। ठीक है, क्या होगा हमारा F1 पर इमेज बनेगा, नेचर क्या होगा, वर्चुअल इंडेक्ट होगा। ठीक है, और साइज आप पॉइंट साइज क्या होगा, पॉइंट साइज होगा, मतलब बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा तो हमारा जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस अगर पैरेलल जा रहा है तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्टेड इमर्ज होने के बाद कैसा लगेगा कि वह प्रिंसिपल फोकस पर जा रही थी। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर रखा हुआ इमेज तो यहाँ पर बनना है, तो ये देखते हैं इसका क्या नेचर है, सब देखते हैं। इमेज पोजिशन कहाँ है, बिटवीन एफ एंड ओ पर है। ठीक है, एफ एंड ओ के बीच में इमेज बनना है, यहाँ पर देख लीजिए। और जो हमारा बनना है नेचर क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बनना है। ठीक है, और नेचर और साइज क्या है, छोटा बनना है। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं स्पेरिकल लेंस का, जैसा साइन कन्वेंशन स्पेरिकल मिरर का था वैसा इसका भी है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट है उसको जानते हैं। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। लेंस फार्मूला क्या होता है, ये देखते हैं क्या होता है, 1/V - 1/U = 1/AF। ये हमारा लेंस फार्मूला, वी क्या है इमेज डिस्टेंस है, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और एफ क्या है फोकल लेंथ है। ठीक है, और मिरर फार्मूला क्या था हमारा, 1/V + 1/U = 1/F था। ठीक है, यहाँ माइनस का अंतर हो जा रहा है। मैग्नीफिकेशन क्या है हमारा देख लेते हैं, लेंस का क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है m = h2/h1। h2 क्या है हमारा, हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h1, और इसका इक्वल टू क्या होगा, v/u भी लिख सकते हैं, मतलब v क्या हमारा इमेज डिस्टेंस है और ये क्या है, यू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, और हम लोग मिरर में क्या देखे थे, मिरर में क्या था हमारे पास, यहाँ पर माइनस होता है, माइनस v/u हो जाता था। ठीक है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, इट इज डिफाइन एज रेस्पेक्टुलर ऑफ द फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ का रेस्पेक्टुलर को हम लोग ही पावर ऑफ लेंस बोलते हैं, और फोकल लेंथ किस में होता है, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, द डिग्री, और एक तरह और लिख सकते हैं हम लोग इसको, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस आर डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे इज एक्सप्रेस एज अ टर्म इन टर्म ऑफ पावर। द डिग्री मतलब डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे को हम लोग पावर कह सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 1/F होता है, तो 1/F को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/V - 1/U। असाइनमेंट क्या होगा, डायप्टर होगा, 1 डायप्टर क्या होता है, 1 मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, और 1 डायप्टर इज पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, 1 डायप्टर का डिफिनेशन है। ठीक है,
पावर ऑफ कन्वेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पावर ऑफ कन्केवलेंस निगेटिव होता है, और पावर क्या होता है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहा है 1/ फोकल लेंथ आ थिकनेस के, पावर लेंथ पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन क्या होगा P1 + P2 + P3। ठीक है, यह सब हमारा हो गया, हम लोग पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म कर दिए। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो ये समझ में आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।